हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक पूरी तरह से स्क्वायर की शेप बना रही है, कुछ इस तरह की हथेली इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो शो करती है काफ़ी अच्छी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को, और साथ ही साथ फिंगर्स के बीच में जो गैप्स नज़र आ रहे हैं काफ़ी क्लियरली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग में ही फिंगर्स के बीच में गैप हैं, इनकी इंडिपेंडेंट नेचर को शो करते हैं, थोड़ी सी ज़िद्दी और रेबेलियन टाइप की नेचर जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो सेटिंग में आपको गैप नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, और इसी तरह का गैप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, और किसी के अंडर काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है। अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग जिनकी फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा गैप्स हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ, अगर हम फिंगर की लेंथ चेक करें तो यहाँ पर सूर्य फिंगर की लेंथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है बृहस्पति के मुकाबले। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूर्य फिंगर की लेंथ है काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर, जो एक क्रिएटिविटी वाली नेचर को शो करती है, काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। और बृहस्पति फिंगर की लेंथ का थोड़ा सा कम होना यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ को कम करता है कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर बृहस्पति माउंट है वो भी थोड़ा सा लो सेट होता है, और कम स्पेस यहाँ बृहस्पति माउंट को मिल पा रही है, तो फैमिली की तरफ से सुख थोड़ा कम रहता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती हैं, और कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन मिलने में भी दिक्कतें आती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर शनि जो है इनका शनि माउंट ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी हार्डशिप्स रहेंगी, काफ़ी मेहनत इनको करनी पड़ेगी, और धन की कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, काफ़ी धन भी यह एकत्रित कर पाएंगे। अगर हम बात करें मरकरी की तो मरकरी फिंगर की लेंथ मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और अगर हम मरकरी माउंट को भी देखें तो वो भी मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मरकरी माउंट को मिलती हुई, और मरकरी फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी, जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करती हैं, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटीज़ रहती हैं जिनका मरकरी माउंट काफ़ी बड़े साइज़ का हो और काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो, तो यहाँ पर थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी अच्छी विजडम इनके अंदर रहने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इनकी माउंट्स की सेटिंग को, और मेन जो लाइंस हैं इनकी वो इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें थोड़ा सा लो सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे मरकरी। अदरवाइज जो माउंट्स हैं उनको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल पा रही है, यहाँ पर मरकरी माउंट को काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई, गुरु माउंट को थोड़ी स्पेस कम मिल पा रही है, जो यहाँ पर हायर नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है इस चीज़ को शो करता है, और अदरवाइज शनि और सूर्य माउंट को भी यहाँ पर अच्छी स्पेस मिलती हुई मैं देख पा रहा हूँ। आगे देखते हैं इनकी माउंट्स इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करते हैं, और माउंट्स के बाद हम चेक करेंगे इनकी मेजर लाइंस को, क्या क्या लाइंस इनके बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका गुरु माउंट है उसका ट्राइरिडल जो है बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ, कुछ इस जगह पर इनका ट्राइरिडल बनता हुआ जो इस माउंट को प्रोमिनेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्राइरिडल वो त्रिकोण होता है जो बारीक लाइनों से बनता है, जो हमारी फिंगरप्रिंट वाली लाइंस होती हैं उनसे बनने वाला त्रिकोण यहाँ पर बिल्कुल माउंट के सेंटर में बनता हुआ, किसी भी माउंट के सेंटर में अगर अपेक्स बने और वो ट्राइरिडल बिल्कुल मध्य में हो तो वो माउंट प्रोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से इस माउंट का साइज़ थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन माउंट का सेंटर पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर होने की वजह से थोड़ा इस माउंट को प्रोमिनेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ मिल पा रही है,
और आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की लाइंस हैं प्रोग्रेस की, बहुत ज़्यादा डीप लाइंस नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति की तरफ से भी अच्छे रिजल्ट हम इन लाइनों की वजह से और ट्राइडल की वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं इनका शनि और सूर्य जो है यहाँ पर उन दोनों के बीच में बनने वाला लूप ऑफ सीरियसनेस, यहाँ पर घुमावदार रेखाओं से बनने वाला लूप काफ़ी क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ इस एरिया में जब भी इस तरह का लूप बनता है तो व्यक्ति की जो नेचर होती है थोड़ी सीरियस रहती है, थोड़ी गंभीर रहती है, बहुत जल्दी मिक्सअप होने वाली पर्सनैलिटी नहीं रहती। इनके भी हाथ में यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस बनता हो तो वो लूप आप यहाँ पर इस सर्कल के अंदर काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं इनका शनि माउंट, शनि यहाँ पर फ्लैट होते हुए, तो फ्लैट शनि माउंट के साथ साथ यहाँ शनि रेखा मुझे अच्छी नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी हार्डशिप तो लाइफ में रहेगी, लेकिन अगर शनि रेखा की बात की जाए तो यहाँ से लगभग चलती हुई शनि रेखा और कंप्लीटली यहाँ तक पहुँचती हुई, जो बिना किसी ब्रेक के और एक्सपोर्टिंग लाइन के साथ मौजूद है, जो कंफर्ट्स की तरफ इशारा करती है, तो काफ़ी अच्छे कंफर्ट्स रहते हैं उन लोगों को जिनके हाथ में क्लियर शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा हो। तो यहाँ पर कोई भी कमी मैं शनि रेखा में नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर रहेगी लेकिन लाइफ में कंफर्ट्स भी अच्छी रहने वाली हैं। आगे आप देख सकते हैं सूर्य माउंट को, सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ही लाइट है, जो कहीं ना कहीं नेम ऑन फेम मिलने में थोड़ी सी देरी को शो करती हैं, डिले को शो करती हैं, बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर जो गर्ल ऑफ वीनस बनता हुआ नज़र आ रहा है, यह इनको कुछ हद तक मूडी पर्सनैलिटी देगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पार्शियल गर्ल ऑफ वीनस, चूँकि एक कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट गर्ल ऑफ वीनस तब बनता है जब यह सारी लाइंस जुड़ी हुई होती हैं और इस तरह से अर्धचंद्रमा यहाँ पर बने तो उसको कंप्लीट गर्ल ऑफ वीनस कहते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल गर्ल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा इमोशनल रहता है और इस तरह का गर्ल ऑफ वीनस बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती हैं, किसी न किसी वजह से इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं व्यक्ति के ऊपर। तो क्रिएटिविटी को तो यह गर्ल ऑफ वीनस बखूबी बढ़ाता है, अगर किसी भी तरह की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं तो उनको यह इंक्रीज करता है, उनमें बढ़ोतरी रहती है, लेकिन यहाँ पर हमारे मन को थोड़ा अस्थिर करता है इस तरह का गर्ल ऑफ वीनस। ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी मुझे ज़्यादा केयरिंग नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट की लाइन भी डबल होती हुई और एक लाइन तो सिमिलर लाइन की तरह बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है, डबल हार्ट की लाइन साथ में पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस, तो काफ़ी कुछ मिलकर इनको काफ़ी हद तक इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी, केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी के रूप में दर्शा रही हैं। सूर्य के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बुध माउंट की, तो आप देख सकते हैं बुध माउंट यहाँ पर जो है इनका काफ़ी बड़ी स्पेस लिए हुए, तो यहाँ पर थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी लाइफ में रहेगी, बिजनेस माइंडेड टाइप की पर्सनालिटी रहती है और यह एक अच्छा चिन्ह है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं मैरिज लाइन में एक फोर्क बनता हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैरिज लाइन का फोर्क नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपस में जो हमारी विचारधाराएं होती हैं दोनों पार्टनर्स की, उनमें अंतर दर्शाता है। यहाँ पर इस तरह का फोर्क बनना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि मैरिज के बाद दोनों की जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैरिड लाइफ में तनाव भी रह सकता है। ओवरऑल इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो इनकी मेजर लाइंस हैं, तो जैसे मैं हार्ट की लाइन के बारे में बता ही चुका हूँ, डबल हार्ट की लाइन ओवर इमोशनल पर्सनालिटी को शो करती है, साथ में पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस इस सभी चीज़ों को बढ़ाता है, इमोशंस को बढ़ाता है, तो इस तरह की पर्सनालिटी इनकी रहने के चांसेस हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन थोड़ा झुकाव लिया है, पहले स्ट्रेट चलती हुई, तो यह जो लाइन आकर मिलती हुई दिखाई दे रही है यह एक्चुअली हार्ट की लाइन है, और उसके बाद माइंड की लाइन जो है यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ती हुई, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की माइंड की लाइन इनके हाथ में, जो यहाँ पर एक आइलैंड का की फॉर्मेशन होना भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता।
जो यहाँ पर एज रही होगी 7 से 8 के आस के पास की एज के बाद थोड़ी हेल्थ रिलेटेड दिक्कतों का भी इनको सामना करना पड़ा होगा। ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी माइंड की लाइन है मीडियम साइज्ड है, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन माइंड शार्प रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ झुकाव होने की वजह से थोड़ी इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी रह सकती है, कल्पनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन यहाँ पर आकर मर्ज होती हुई नज़र आ रही है इनकी फेड लाइन में, और कुछ इस तरह की इनकी लाइफ की लाइन बनती हुई जो बिल्कुल बाहर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से बिहेव करती हुई लाइन जो शो करती है कि मिडिल एज में चलकर यह बिल्कुल पूरी तरह से किसी न किसी कारोबार में इन्वॉल्व हो सकते हैं, धन कमाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उस एज में अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी छोड़ सकते हैं अपने बिजनेस की वजह से या अपने किसी काम की वजह से। ओवरऑल लाइफ यहाँ पर लंबी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आकर लगभग 50s की एज में आकर थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी इनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर जो इनकी लाइन है बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई जो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर स्टे करने की तरफ इशारा करती है, लेकिन वापस लाइन का पीछे की तरफ मुड़ना यहाँ पर घर के साथ अटैचमेंट को भी शो करता है। और यह भी चांसेस रहेंगे कि ओल्ड एज में चलकर यह वापस अपने होम कंट्री में आकर बस सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस लॉन्ग पीरियड के लिए या किसी फॉरेन कंट्री में स्टे करेंगे, क्योंकि जो इनका मेजर पार्ट है लाइफ लाइन का वो बाहर की तरफ निकलता हुआ, मून एरिया की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं वीनस का एरिया यहाँ पर मुझे दबता हुआ नज़र आ रहा है, तो कुछ अभाव रहेगा फैमिली सुखों में, कहीं ना कहीं फैमिली की जो हमें सुख मिलता है, जो फैमिली की तरफ से कंफर्ट्स मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है वीनस और गुरु माउंट के कमज़ोर होने की वजह से। मून एरिया भी यहाँ से दबता हुआ नज़र आ रहा है, जो शो करता है मानसिक तनाव को भी, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी इनको रह सकता है, क्योंकि मून चंद्रमा जो है यहाँ पर वीक होता हुआ लोअर जो मून है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि इनका अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।